विकासखंड नानागढ़ की कुंडू पंचायत में कुदरत का कहर बरसा है। एक साथ 6 परिवार बेघर हो गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। नगर पुली नहीं होती साढ़े मकान नो मतलब सेफ रहना भाई जितने मतलब पहले है सरदी देवी का, सरदी देवी नाम है मेरा। और सारे जितने भी मकान है उनको सारे को दरबारा आ चुकी हैं। और जो पुड़ी एनएच की है उसको हमने बहुत बंद कराया, उसने जबरदस्ती धक्के नाल रोड वाले ने हमारे ऊपर तो पा दी थी। और इतना नुकसान इस पुड़ी से हमारे मकानों को आ गया, जमीन भी बर्बाद हो चुकी है। ठेकेदार कहना भी अंदर कर देंगे। ठेकेदार ने भी मेरे को धमकी दी आके। हमने मैं अपनी मेरी बहू चंडीगढ़ बीमार थी उस टाइम आई, मेरे को कह था जुर्माना भरने पड़ेगा आपको। मौके पर पटवारी हल्का सबने जो जायजा लिया, तो आप हमें ये बताएं सर कि जो प्रशासन की तरफ से उनकी किस तरह से मदद की गई, क्या क्या। ग्राम कुंडलू में जो भी लैंडस्लाइड हुई है, जमीन जो भी धस रही है मकानों की, उसके बारे में जैसे भी रिपोर्ट मिली प्रशासन को, सबसे पहले हमारे पटवारी हल्का कुंडलू मौके पर गए, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और हमें भेजी। उसके बाद में शनिवार को मैं खुद भी गया और लोगों को जो है ना मौके पर लैंडस्लाइड का वो जायजा लिया गया। लोगों के मकान में दरारें आई हुई है और उनको फौरी राहत के तौर पे हमने त्रिपाले प्रोवाइड करवाई है। 6 फैमिलियाँ हैं, उनको हमने त्रिपाले प्रोवाइड करवा दी है और उनको सुरक्षित स्थान पर भी वहाँ से क्या नाम स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। और उनको निश्चय उसके लिए भी हमने सरकार से जो है ना क्या नाम रिकमेंडेशन सरकार को किया है, भाई इनको किसी सुरक्षित जगह पर जो है ना जमीन अलॉट कर की जाए ताकि ये वहाँ से अपने मकान ट्रांसफर करके वहाँ उस जगह पर बना सके। सर क्या जो जमीन लॉकडाउन का प्रसाद चल पड़ा है, जो जमीन जो अलाउट तो करती है? नहीं नहीं, जमीन अलॉट का तो हम अभी सरकार के हाथ का हमारे बस में नहीं है अलॉटमेंट की, हिमाचल सरकार ने नहीं क्या नाम स्वीकृति आने पर ही उनको जमीन जो है ना अलॉट कर दी जाएगी। मेरा नाम शकुंतला देवी है और मैं ग्राम पंचायत कुंडलू की निवासी हूँ। कुंडलू पंचायत में हमारा घर है और भारी बरसात होने की वजह से हमारे 6 परिवार जिसमें 20-25 मेंबर हैं, सारे मकान हमारे धस गए हैं और सारी ज़मीन हमारी मतलब क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें पशु भी है हमारे और हमें भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल है। हमारी जान भी जा सकती है, जान मारन की भी बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है। और अब हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। हम कभी त्रिपाल प्रशासन की तरफ से हमें सिर्फ तरपालें ही मुहैया की गई हैं। आप बताइए एक त्रिपाल के सहारे 25-30 बंदे त्रिपाल में कैसे रह पाएंगे? और कोई स्कूल में शिफ्ट, कहीं सामान हमारा कहीं स्कूल में टूटा फूटा बड़ी मुश्किल से पहुंचा रहे हैं, कहीं पड़ोसियों के रख रहे हैं, त्रिपाल में फिर कैसा गुजारा करेंगे? छोटे छोटे बच्चे त्रिपाल में थोड़ी भी ना रह पाएंगे, जो प्रशासन ने सिर्फ त्रिपालें ही दी हैं हमें, उसमें पूछा जाए प्रशासन से तो त्रिपालों पे आदमी डिपेंड नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है, अब आने वाले टाइम में हमारा हर साल यही होता है, हर साल हमारी जमीन जा रही है, हर साल हमारा कोई ना कोई कमरा दब रहा है, उसमें हमारा किसी की भी जान जा सकती है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ,
कमरा बैठ गया, हम मरने से बचे, मरते मरते बचे हम, उसमें कोई फंस भी सकता था, तब भी सरकार की तरफ से हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। अब हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे घर बनाने के लिए, ये तो सारी जमीन क्षतिग्रस्त हो गई है, घर बनाने के लिए कोई अच्छी सुरक्षित जगह प्रदान की जाए, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आर्थिक सहायता सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं। क्या सरकार, क्या आपको सरकार ने किसी प्रकार की कोई राशि वगैरह भी उपलब्ध कराई है कि दी है, किसी ने को आया हो? नहीं जी, कोई राशि नहीं है, सिर्फ तरपालें दी हैं बस, तरपाल के अलावा कोई चीज नहीं जी। मेरा नाम राधे श्याम, गांव कुंडलू, और हमारे यहाँ पे मकानों को जो बारिश के कारण, भारी बारिश के कारण मकानों को दरारें आ गई सारे, और अभी मैंने नया मकान बनाया था और उसमें भी मतलब सारी वो भी दरारें पूरी फट चुका है मकान, और मैंने ड्राइविंग करके मकान बनाया था 10 साल से, और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, और अब लोग जयराम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमारे को मकान और दिया जावे भी जमीन, और हमारे को कहीं भी मतलब कोई भी पैसा भी सरकार से मतलब आर्थिक जरूरत मदद है कि हमारे को जमीन भी दे और मकान बना के भी दें जयराम सरकार से, यही हमारी गुजारिश है। और यहाँ पे एक हमारे NH की पुलिया है जिसके कारण हमारे मकान को इतना नुकसान पहुँचा है, और हमने उस समय जिस समय NH की पुलिया बन रही थी उस समय हमने NH वाले जो ठेकेदार था हमने उसकी प्लेटें कुछ तोड़ के इधर मतलब छुड़ाई थी उससे, और उसने बोला कि आप अंदर हो जाओगे अगर आपने हमारे को यहाँ पुलिया बनाने से रोका, आप रेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती ये पुलिया NH की बनाई और हमारे इस मकान को और जमीन को पूरा ही मतलब नुकसान इस पुलिया NH की वजह से ही हुआ है तकरीबन।